ए टू जेड क्लासेस जपला। यदि अभी तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद। चलिए, आज झारखंड भूगोल का जो सीरीज चल रहा है, आज हम लोग लेक्चर 4 करेंगे उसका। और जैसा कि पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि अगला जो क्लास होगा वो पूरी तरीके से एमसीक्यू का होगा। अभी तक जितना हम लोग 3 लेक्चर देखे हैं, तीनों लेक्चर से रिलेटेड एमसीक्यू को हल करेंगे, और ताकि देखेंगे कि हम जो पढ़ रहे हैं, कंटेंट को पढ़ रहे हैं, उससे कुछ एडवांटेज मिल रहा है या नहीं। तो आज हम लोग टोटल एमसीक्यू देखते हैं कितना तक होता है, और स्टार्ट करते हैं झारखंड जीके महत्वपूर्ण प्लस सीजीएल जेपीएससी लेक्चर 4 स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आ रहा है कि झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। एक मिनट में नक्शा ला रहा हूं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है। देखिए, ध्यान से ध्यान दीजिएगा। देखिए, अच्छा से देखिए, यहां झारखंड है, ठीक है, यहां झारखंड है, ठीक है, तो यहां होगा उत्तर पूर्व। तो झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है, तो आपका आंसर होगा उत्तर पूर्व। यहां ऑप्शन था दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, लेकिन आपका आंसर सही क्या होगा, उत्तर पूर्व। कह रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। मैं आपको बताया था कि क्षेत्रफल के दृष्टि से 16वां स्थान है, ये मैं आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, और इससे 15 राज्य जो है बड़े हैं। किससे? झारखंड से। तो झारखंड का जो क्षेत्रफल के दृष्टि से स्थान है वो कितना है? 16वां स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर कह रहा है झारखंड की आकृति कैसी है। देखिए ध्यान से, झारखंड की आकृति के लिए आप मैप देखेंगे। देखिए, झारखंड की आकृति किस टाइप से है, देखेंगे ध्यान से। देखिए देखिए, ये चतुर्भुजाकार है, ठीक है। तो पहला तो ऑप्शन था त्रिभुजाकार, बिल्कुल नहीं था, चतुर्भुजाकार है। अब गोलाकार तो है ही नहीं, अब आकृति विहीन तो ही नहीं है, इसका एक ही ऑप्शन है चतुर्भुजाकार। देखिए, क्वेश्चन को पढ़ के फिर ऑप्शन को आपको पढ़ना है, और ऑप्शन पर जोर देकर पढ़ना है, उससे आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए, झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाएं क्या है। मैं आपको बताया था कि झारखंड राज्य का भौगोलिक सीमाएं क्या है। यहां आपका पश्चिम, ये उत्तर, ये पूर्व है, और यहां आपका पश्चिम, और ये आपका दक्षिण है। तब पूर्व में आपको बताया था कि पश्चिम बंगाल है, उत्तर में बताया था बिहार है, और यहां आपका पश्चिम में बताया था कि छत्तीसगढ़ भी है और यूपी भी है, और यहां बताया था उड़ीसा है। तो ध्यान से देखिए, कह रहा है कि झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमाएं क्या है। तो मैं यहां एक ही ऑप्शन लिखा हूं जो सही है। उत्तर में जो बिहार है सही है, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में बंगाल है, और पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो ये आपका ऑप्शन ए था। बी और सी डी ई भी ऑप्शन है, चार ऑप्शन है। जैसे बीपीएससी की एग्जामिनेशन दीजिएगा तो उसमें 5 ऑप्शन रहता है, लेकिन यहां कोई भी झारखंड में एग्जाम होगा उसमें 4 ही ऑप्शन रहेंगे। तो पहला ऑप्शन सही था। करण, झारखंड भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करता है। देखिए, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि उत्तर में बिहार 1 राज्य हो गया, पूर्व में पश्चिम बंगाल 2, उड़ीसा में 3, और यहां 2 राज्य टच कर रहे हैं सीमा को, तो 3 और 2 5 हो गए। इसका सही जवाब होगा 5। करें, झारखंड की सबसे बड़ी सीमा किस राज्य के साथ लगी हुई है। ध्यान दीजिएगा, अब मैं झारखंड का मैप बता रहा हूं। देखिए, कोई हड़बड़ी नहीं है, अच्छा से समझिए। देखिए ध्यान से, ये आपका झारखंड है, झारखंड का पूरा नक्शा है, और यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से देखिए, ये पूरा जो है बिहार से लगा हुआ है। ये आपका ये जो गढ़वा है उत्तर प्रदेश से है, ठीक है। चल, तो अब आप देखिए कि झारखंड में जो क्वेश्चन से पढ़िए, कह रहा है कि झारखंड की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगी हुई है। देखिए,
तो सबसे लंबी सीमा देखिए बिहार से लगा हुआ है कि नहीं, मैप से देखिए, आप देखिए ये छोटा, ये भी छोटा है, तो सबसे लंबा कहां हो जाएगा, बिहार। तो इसका सही जवाब क्या होगा कि झारखंड की सबसे लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगी है, तो आंसर होगा बिहार। कंसेप्ट को अगर आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो आंसर बहुत आसानी से आप लगा पाएंगे। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा झारखंड राज्य का पड़ोसी नहीं है। देखिए बिहार पड़ोसी राज्य है, पश्चिम बंगाल पड़ोसी राज्य है, उड़ीसा पड़ोसी राज्य है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। तो ऑप्शन को पढ़िए, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल है। तो बिहार भी है, छत्तीसगढ़ भी है और पश्चिम बंगाल भी है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा था कि पड़ोसी नहीं है, तो ये भी पड़ोसी है, ये भी पड़ोसी है, ये भी पड़ोसी है, तो ये मध्य प्रदेश आपका पड़ोसी नहीं है, इसलिए सातवां का क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। करे झारखंड के कुल कितने जिले बिहार को स्पर्श करती है। हम आपको बताए थे कि यहां पर देखिए 10 जिला करता है, यहां पर भी 10 जिला करता है, यहां पर भी 4 जिला करता है, ठीक है, और यहां पर भी 4 जिला करता है। तो यहां हमको बिहार से क्वेश्चन पूछा है, किससे क्वेश्चन पूछा है, बिहार से क्वेश्चन पूछा है, तो बिहार से आंसर हो जाएगा 10। झारखंड के कुल कितने जिले बिहार को स्पर्श करती हैं, तो कुल जिला हो जाएगा आपका 10। आगे क्वेश्चन है, देखिए यहां पर आगे क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है कि झारखंड, यहां देखिए 10 जिला बिहार में, 10 जिला पश्चिम पूर्व में जो पश्चिम बंगाल को टच करती है, और 4 यहां, और यहां पर 5 जिला है टोटल, जो 4 छत्तीसगढ़ को करते हैं और 1 जिला जो है वो उत्तर प्रदेश को करता है। अब देखेंगे झारखंड का कौन सा जिला बिहार को स्पर्श करता है, बिहार को स्पर्श करता है, तो ध्यान दीजिएगा पलामू, चतरा, कोडरमा, उपयुक्त सभी। तो मैं आपको मैप में दिखा दूं, मैप में लाइट कट गया है लेकिन फिर भी देखिए, यहां देखिए चतरा भी कर रहा है, पलामू भी कर रहा है, हजारीबाग भी कर रहा है, कोडरमा भी कर रहा है। तो इस ऑप्शन में पलामू भी टच कर रहा है, चतरा भी कर रहा है, कोडरमा भी कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और झारखंड के कौन सा जिला केवल उत्तर प्रदेश को टच करता है, तो मैं आपको बताया था आंसर होगा इसका गढ़वा। धन्यवाद। चलिए तो अभी हम क्वेश्चन एमसीक्यू कर रहे हैं, झारखंड सीजीएल से रिलेटेड झारखंड जीके का पार्ट्स कर रहे हैं, जो पीटी में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और मेंस में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। तभी हमने 10 क्वेश्चन का एनालिसिस किया, अब क्वेश्चन 11 का करते हैं। कह रहा है कि झारखंड राज्य अपनी उत्तरी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपका उत्तर है, ये आपका पूर्व है, और ये आपका दक्षिण है, और ये आपका पश्चिम है, ठीक है। उत्तर में आपका क्या है, बिहार है, पूर्व में आपका पश्चिम बंगाल है, और दक्षिण में आपका उड़ीसा है, और पश्चिम में आपका यूपी भी है, और छत्तीसगढ़ भी है, छत्तीसगढ़। देखिए तो क्वेश्चन का कह रहा है कि झारखंड राज्य अपने उत्तरी सीमा किस राज्य के साथ बांटता है। तो ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। देखिए 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बिहार। तो सही आंसर हो गया बिहार। अब कह रहा है झारखंड राज्य की उपराजधानी कहां है। जब झारखंड का परिचय हम लोग बता रहे थे तो उसमें बताया गया था कि झारखंड राज्य का जो राजधानी है वो रांची है, और उपराजधानी कहां है, दुमका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दुमका। कह रहा है झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए कुल क्षेत्रफल 79,614 और 79,714, यही दो आता है ऑप्शन। अब इसी दोनों ऑप्शन में से आपको चयन करना है कि जवाब कौन सा सही होगा। तो ये आपका जवाब सही है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद कह रहा है राज्य गठन के बाद कितने जिले का गठन हुआ। मैं आपको बता रहा हूं कि राज्य गठन के बाद पहले 18 थे, ठीक है, राज्य जिस समय अलग हुआ, और बाद में 6 जिला बना, ठीक है। तो बाद में जब 6 जिला बना तो 18 और 6 कितना हो गए, 24 हो गए। तो टोटल अभी कितने जिले हैं, 24 हैं, तो इसका जवाब होगा 6। पलामू विभाजन कितने जिले में है। जब परमाणु प्रमंडल आपको बताया जा रहा था तो उस समय बताया जा रहा था कि पलामू जो है वो पलामू से 3 जिला बना था। पलामू से कौन कौन जिला बना था, गढ़वा बना था, लातेहार बना था, और पलामू। तो अब देखिए पलामू
करपलामू विभाजन से, मतलब पलामू प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले हैं, मतलब पुराना पलामू जो है कितने जिला में बट गया, तो पलामू में बटा, गढ़वा में बटा, लातेहार में बटा, इसलिए इसका आंसर कितना होगा, तीन होगा। जनरली कंफ्यूज कर देंगे कि पलामू कितना विभाजन हुआ, तो आप बोल देंगे गढ़वा और लातेहार, तो दो, लेकिन आपका आंसर होगा यहां पर तीन। गढ़वा पलामू से कब अलग हुआ, गढ़वा पलामू से कब अलग हुआ, तो पलामू से दो जिला अलग हुए, गढ़वा और लातेहार। तो यहां देखिए इसका डेट याद रखना है कि ऑप्शन है 1 अप्रैल 1992, 1 अप्रैल 1991 और 1 जून 1991, 1 जून 1992। तो इसका सही आंसर है 1 अप्रैल 1991। करें किस वर्ष लातेहार को पलामू से अलग किया गया, किस वर्ष करें इस दिन, तो ये देखिए 2000 ईस्वी में तो झारखंड अलग हुआ, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। 2007 में दूसरा जिला बना, 4 में कोई बना नहीं, तो अब यहां देखिए एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है 2001। राज्य गठन के बाद जो है ये लातेहार जिला बना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2001। फिर कह रहा तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है, तो ये आपका बराकर नदी पर स्थित है। आगे हम लोग सब जब नदी जब पढ़ेंगे, बराकर नदी पढ़ेंगे, दामोदर नदी पढ़ेंगे, सोन रेखा नदी पढ़ेंगे, तो उसमें डिटेल्स हम लोग देखेंगे कि कौन से नदी पर कौन सा डैम है, वहां पर पूरा डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा। अभी आपको याद रखना है कि तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है, तो बराकर नदी पर स्थित है। ये सब सारे क्वेश्चन जो है झारखंड के एग्जाम में कहीं ना कोई एग्जाम में जो है ये पूछा गया, सभी क्वेश्चन को लिए हैं। उसके बाद कह रहा है माइका खान कहां पाया जाता है, देखिए अभी आपको पिछले क्लास में ही बताया गया था कि माइका खान अवरक कहां पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन है जमशेदपुर, कोडरमा, रांची और पलामू, तो इसका सही जवाब होगा कोडरमा। करा कि बाबा बैद्यनाथ धाम किस जिला में है, तो बहुत ही फेमस है, पलामू में तो है नहीं, दुमका में है नहीं, तो इसका सही जवाब होगा देवघर, रांची में भी नहीं है, तो सही जवाब हो गया देवघर। आगे करा कि जामताड़ा झारखंड के किस जिले से अलग हुआ, जामताड़ा किस जिले से अलग हुआ, तो देखिए जामताड़ा दुमका से अलग हुआ था, जो दुमका झारखंड के उपराजधानी भी है। उसके बाद करा कि झारखंड के किस स्थान पर मलूटी मंदिर है, मलूटी मंदिर स्थित है झारखंड के किस स्थान पर, तो गोड्डा में स्थित है, धनबाद में स्थित है, कि दुमका में स्थित है, कि रांची में स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा दुमका। मतलब ऐसे क्वेश्चन आएगा झारखंड के किस स्थान पर मलूटी मंदिर है, या झारखंड के किस जिले में मलूटी मंदिर है, ऐसे भी प्रश्न आ सकता है, तो आपका सही जवाब होगा दुमका। उसके बाद कह रहा है कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, शिमला, ठीक है, तो आपको जब पढ़ा रहे थे रांची जिला, तो वहां पर आपको बताया गया था कि रांची को जो है झारखंड का शिमला भी कहा जाता है और रांची झारखंड की राजधानी भी है। उसके बाद कह रहा है कि औद्योगिक दृष्टि से झारखंड का आर्थिक राजधानी कहाँ है, जब कोल्हान प्रमंडल हम पढ़ा रहे थे, तो कोल्हान प्रमंडल तीन पार्ट में बटा था, पहला बटा था क्या पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा, तो यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम जो है झारखंड का आर्थिक दृष्टिकोण से राजधानी इसे कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर औद्योगिक कंपनी जो है बहुत सारे हैं पूर्वी सिंहभूम। उसके बाद 6 नृत्य झारखंड के किस जिले से संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा सरायकेला खरसावा, सरायकेला खरसावा इसका सही जवाब होगा। तो ये रहा आज का क्लास का 25 MCQ क्वेश्चन जो झारखंड सीजीएल से रिलेटेड थे, और जो अभी आपका 3 लेक्चर हुआ था उसी से संबंधित है प्रश्न है। अब हम लोग लेक्चर 5 में भी कुछ प्रश्नों का यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद जो जॉब और झारखंड चल रहा है उसको आगे बढ़ाएंगे।